राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर शोर शराबे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए सामाजिक जागरूकता को बताया जरूरी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिकॉर्ड 1.41 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। और हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों का दूरदर्शन पर होगा सीधा प्रसारण, 28 दिसंबर से शुरू होंगे मुकाबले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच शोर शराबे के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने सभापति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। श्री धनखड़ ने कहा कि सदन को ये जानना चाहिए कि पिछले 30 वर्ष में सभापति और मेरे कार्यकाल में कितने नोटिस प्राप्त हुए। Respected Khadge ji, to respond, let us meet in my chamber, let us find a way out, we will navigate ahead of it. Leader of the opposition. Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect him? You are insulting. उल्लेखनीय है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इस अविश्वास प्रस्ताव का विपक्ष के 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कहा है कि हादसों को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है, खासकर युवाओं को सड़क हादसों को लेकर ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। संसद में अपनी बात रखते हुए श्री बिरला ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सामूहिक और गंभीर प्रयास करने पर जोर दिया। हमको गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें, और इसके लिए जब तक हम समाज में जागृति नहीं करेंगे, विशेष रूप से नौजवानों को इस गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम दुर्घटनाओं को कमी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज को जागृत करना, दिशा देना, ये भी हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा को बताया कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि 6 राज्यों में प्रचलित यह योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश में और बाद में देश के अन्य भागों में भी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पतालों में 1.5 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री गडकरी ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक जिले में दुर्घटना रोकथाम समितियां गठित करें, ताकि ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसद के सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सेवा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र इन बहादुर कर्मियों और उनके परिवार को हमेशा कृतज्ञ याद करेगा, कृतज्ञ रहेगा। राष्ट्रपति ने आतंकवाद से मुकाबला करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि देश आतंकी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि बहादुरों का सर्वोच्च बलिदान देश को सर्वोच्च सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश उनके साहस और समर्पण के लिए कृतज्ञ रहेगा। संसद पर हुए आतंकी हमले की वर्षगांठ पर आज संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मंत्री किरेन रिजिजू और कई सांसदों तथा मंत्रियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस समारोह में CISF जवानों ने सलामी दी और इसके बाद 1 मिनट का मौन रखा गया।
गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2001 में पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद परिसर पर हमला किया था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.41 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन बैंकों की कुल 1,60,501 शाखाओं में से 1,686 ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो ग्रामीण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है। सार्वजनिक बैंकों के सकल NPA अनुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो मार्च 2015 के 4.97% से घटकर सितंबर 2024 में 3.12% पर आ गया है। सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के विकास के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसमें शाखाओं का विस्तार, मानव संसाधन नीतियों में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। 54 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और मुद्रा योजना के तहत 68% महिला लाभार्थियों को जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया गया। महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए पेंशन योजनाएं और मासिक अनुग्रह राशि जैसे सुधार लागू किए गए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को पेंशन लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। ये प्रयास सार्वजनिक बैंकों को सरकार पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र रूप से पूंजी जुटाने में सक्षम बना रहे हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इनकी बढ़ती उपस्थिति और ग्राहक सेवा में सुधार भारत के बैंकिंग क्षेत्र की नई दिशा को दर्शाते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार द्वारा ऊर्जा और जल संरक्षण को लेकर किसानों में जागरूकता लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के अनुसार कार्यशाला में विभाग की ओर से किसानों को सोलर पंप और अन्य सौर संयंत्रों के सफल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के प्रमुख अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक और निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में बिजली और जल के अधिक दोहन से ऊर्जा संकट और भूजल स्तर में गिरावट आई है। भविष्य में ऊर्जा और जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इसके संरक्षण के उपायों पर गंभीरता के साथ रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले किसानों ने बताया कि ऊर्जा और जल संरक्षण के उपायों संबंधी अच्छी जानकारी मिली है। कि अपन बिजली के उपयोग के बारे में जानकारी मिला और जल संरक्षण के बारे में, इसमें छोटी छोटी बचत करके हम लोग, बहुत किसान लोग आगे बढ़ सकते हैं। जानकारी के अनुसार मेरे को जो जानकारी मिला, इसमें बिजली के बचत के बारे में जानकारी मिला हमको और जल संरक्षण के बारे में जानकारी मिला। जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं, उसमें बहुत सारा जल लगता है। जैसे हम सब्जी वब्जी की खेती के बारे में हमको बताया गया, गेहूँ चना लगा के हम कम समय में कम ज़्यादा आमदनी लेने के लिए हमको तरीका बताया गया। बैठक में अच्छा जानकारी दी से कि पानी ला मन बचाथन और बचा के बढ़िया से लोकल खेती किसानी में लगा था और बहुत बढ़िया जानकारी दी से कि सौर ऊर्जा बिजली के बचत और जल संरक्षण के संदर्भ में और कैसे खेती किसानी आज के युग में किए जाए, एक बारे में दोनों विभाग मिल के प्रशिक्षण दे था। वह कार्यशाला में किसानों को जल और मृदा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही विषय विशेषज्ञों ने उद्यानिकी फसलों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी।
अब हॉकी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले देश के हर घर में देखे जा सकेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता दूरदर्शन ने हॉकी इंडिया लीग के साथ आधिकारिक प्रसारण भागीदार के तौर पर करार किया है। यह ऐतिहासिक करार कल प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और हॉकी इंडिया लीग के संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह के बीच हुआ। इस अवसर पर प्रसार भारती के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री सहगल ने कहा कि हॉकी इंडिया लीग के मुकाबलों का सीधा प्रसारण होने से देशभर में हॉकी को बढ़ावा मिलेगा और यह खेल कोने कोने तक पहुंचेगा। हॉकी इंडिया और प्रसार भारती का एग्रीमेंट हुआ है कि आज से हॉकी इंडिया के जितने भी कार्यक्रम हैं, न केवल हॉकी इंडिया लीग है बल्कि नेशनल चैंपियनशिप है, जो और चैंपियनशिप्स हैं, वो सब डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाई जाएंगी। न केवल डीडी स्पोर्ट्स चैनल पे बल्कि जो हमारा ओटीटी पे चैनल है उसमें भी वो लाइव दिखाई जाएंगी। तो वो पूरे देश में एक निशुल्क प्रसारण का ये हमारा प्रयास है। वही हॉकी इंडिया लीग के संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह ने कहा कि दूरदर्शन पूरे देश भर में फ्री में देखा जाता है और हॉकी देश का खेल है। इसके प्रसारण से यह खेल हर घर में आसानी से देखा जा सकेगा। स्पोर्ट एक ऐसा चैनल है जो हर एक गांव देहात में है, घर घर में है। जो डीडी दूरदर्शन है प्रसार भारती के द्वारा कहीं भी फ्री में दिखाया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जितने भी खिलाड़ी हैं, मैक्सिमम खेल का आप खिलाड़ी देखते होंगे, बहुत गरीब घर से आते हैं। ऐसी जगह पर अगर दूरदर्शन अगर लाइव करता है तो आप समझ सकते हैं कि एक घर में और वैसे घर में ये मैच पहुँचेगा जहाँ पर लोग सोचा भी नहीं होगा। 28 दिसंबर से शुरू होने वाली हॉकी इंडिया लीग में पुरुषों की 8 टीमें और महिलाओं की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों में दुनिया भर के शीर्ष हॉकी खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा दिखाएंगे। यह संस्करण विशेष रूप से ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें महिलाओं की हॉकी इंडिया लीग का भी डेब्यू होगा, जो हॉकी इंडिया के खेलों में लिंग समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकसेवा प्रसारक दूरदर्शन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया ओटीटी दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डीडी न्यूज छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार का भी सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।